नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जो होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लाइका गोवा किंग्स के बीच में। अगर जो बात करें दोनों ही टीम की, भाई दोनों ही टीम काफी ज्यादा शानदार तरीके से यहाँ पर फाइनल तक पहुंची है, तो दोनों में से कोई सी एक टीम मुकाबला यहाँ पर जीतने वाली है, कप अपने नाम करेगी, लेकिन जीतेगी कौन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी रिक्वेस्ट, अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। सो चलिए करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू की, ये मुकाबला कहाँ होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है 31 जुलाई संडे 2022 शाम को 7:15 पर SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर। अगर जो बात करें पिच की, यहाँ पर पिच की कैसी स्थिति है, देखो पिच पे यहाँ पर जो है पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल अभी तक 9 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से टारगेट डिफेंडिंग करने वाली टीम ने 3 बार मुकाबले जीते हैं और टारगेट चेस करने वाली टीम ने 6 बार मुकाबले जीते हैं। यानी कि हम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है टारगेट चेजिंग के यहाँ पर ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 बार टारगेट चेज हुआ है। यानी कि अगर जो पहली बारी में जोन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है तो भाई देखो बॉलिंग लेना ज्यादा फायदेमंद वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है चेज करना ईजी है। फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर यहाँ पर 162 का है, यानी कि हम लोगों को 160 के आसपास जो है फाइनल स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है। पिच की बात करें देखो यहाँ पर पिच बॉलिंग और बैटिंग दोनों फ्रेंडली होने वाले, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पिच पर काफी मतलब मैचेस खेले जा चुके हैं इस वजह से, तो यहाँ पर दोनों बॉलर और बैट्समैन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बबात करें टीम परफॉर्मेंस की, लाइका गोवा किंग्स ने यहाँ पर 4 मैचेस खेले हैं और 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं इस वाली पिच के ऊपर, और चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर 2 मुकाबले खेले हैं और 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं। यानी कि दोनों ही टीम इस वाली पिच के ऊपर काफी ज्यादा सुटेबल होने वाली है, यानी कि दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी एक पिच होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है पिच की स्थिति को दोनों ही टीम बखूबी जानती है, समझती है। सो यानी कि ये टक्कर होने वाली है, काफी ज्यादा कड़ी होने वाली है। अगर जो बात करें यहाँ पर दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 से उतरने वाली है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 होने वाली है वो होने वाली है एन जगदेशन, कौशिक गांधी, राधाकृष्ण, राजगोपाल, सतीश, साई किशोर, सोनू यादव, यू शशिदेव, एस हरीश कुमार, मणिमरन सिद्धार्थ, आर अलेक्जेंडर, संदीप वॉरियर। क्योंकि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी बेस्ट जो है अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मैच है, तो भाई यहाँ पर कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जो बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, 7 मुकाबले खेले थे, 7 में से 5 मुकाबले अपने नाम करे थे, यानी कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की, जो मुझे लगता है। अगर जो बात करें बल्लेबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स की जो बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो टीम में मेरे को पर्सनली जो लगता है यहाँ पर राजगोपाल, सतीश, राधाकृष्ण, मतलब जो स्टार्टर्स प्लेयर्स है ओपनर्स है थोड़ा सा हल्के हैं, लेकिन जो मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, फिनिशर भी इनके पास अच्छे खासे हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगा फिनिशर और बैट्समैन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। बात करें बॉलिंग की, चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग भी पिछले मैचेस में काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली देखने के लिए लग रहा है कि भाई काफ़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है और काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एक फुल वेल टीम है। बात करें दूसरी ओर लाइका गोवा किंग्स की, तो लाइका गोवा किंग्स की टीम में होने वाले हैं शाहरुख खान जी, सिद्धार्थ, राजू, जय सुरेश कुमार, साई सुदर्शन, अभिषेक तनवर, यू मुकलेश, एस अजीत राम, सूर्य बी, रमेश दिवाकर, मनीष जी आर। अगर जो बात करें लाइका गोवा किंग्स की, लाइका गोवा किंग्स के बल्लेबाजों की भाई कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शाहरुख खान काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर ओपनर है, फिर उनके बाद भाई जय सुरेश कुमार मिडल ओवर में भाई काफ़ी ज़्यादा तूफानी बल्लेबाज है, अभिषेक तनवर मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर इनके ये जो 3 बल्लेबाज हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बल्लेबाज हैं, इसलिए मेरे को जो लगता है ना मुझे पर्सनली जो लगता है लाइका गोवा किंग्स की जो यहाँ पर बल्लेबाजी है वो चेन्नई सुपर किंग्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई इनके पास ज़्यादा अच्छे तगड़े बल्लेबाज है, क्योंकि तीनों फील्ड में ओपनिंग, मिडल और फिनिशिंग भाई यहाँ पर तीनों ही फील्ड में भाई उन्होंने बेस्ट यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज यहाँ पर बिठा रखे हैं, बाकी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और बात करें गेंदबाजी की, गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की भी लग रही है मुझे, क्योंकि मतलब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स को देखें और यहाँ पर देखें लाइका गोवा किंग्स के बॉलर्स को, तो हल्का सा मुझे लाइका गोवा किंग्स के बॉलर जो है कमजोर नजर आ रहा है, बाकी तो बॉलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। और बात करें यहाँ पर भाई दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 में क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज थोड़े से हल्के हैं, लेकिन लाइका गोवा किंग्स के बल्लेबाज काफी ज्यादा अच्छे हैं। बात करें बॉलिंग के, भाई बॉलिंग में भाई दोनों ही टीम को मैं बराबर ही रखना चाहूंगा, यानी कि प्लेइंग 11 में लाइका गोवा किंग्स थोड़ी सी मुझे आगे नजर आ रही है बल्लेबाजी से। बात करें यहाँ पर फाइनल की, फाइनल रिजल्ट हेड टू हेड की, फाइनल रिजल्ट में भाई हेड टू हेड में देखो दोनों ही टीम ये जो है 8 बार भिड़ चुकी है, 8 में से चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 बार अपने नाम करी है जीत और 2 बार लाइका गोवा किंग्स ने अपने नाम जीत करी है, यानी कि हेड टू हेड के मामले में लाइका गोवा किंग्स अपने नाम जीत करती है। बात करें फाइनल रिजल्ट की, फाइनल विन परसेंटेज जो इस मैच की क्या बनती है, देखो जो मेरे हिसाब से जो विन परसेंटेज जो बनती है जो मुझे पर्सनली लगता है भाई इसकी जो विन परसेंटेज बनती है वो लगती है भाई 51 और 49 जो है लाइका गोवा किंग्स
51 चेपॉक सुपर किंग्स। पर मेरे हिसाब से जो ये मुकाबला लेकर के जाने वाले ना लाइका कोविकिंग्स लेकर के जाने वाली है, वो इसलिए क्योंकि जो यार यहाँ पर ना लाइका कोविकिंग्स के बल्लेबाज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैप्टन भी ज्यादा अच्छे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये मुकाबला लाइका कोविकिंग्स लेकर के जाएगी, यानी कि आज का फाइनल का जो ये कप है लाइका कोविकिंग्स उठाने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है, लाइका कोविकिंग्स ये मुकाबला लेकर के जा पाएगी हाँ या ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जाने से पहले सभी से छोटी सी, अगर जो आप लोग ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज और यहाँ पर प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी ज्यादा डिटेल में, फटाक से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, मत रहे, गुड बाय।